हाँ गाइस, तो आज हम लोग चैप्टर वन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की ट्रिक्स देखेंगे। पेनिसिलियम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कोनिडिया, क्लेमाइडोमोनास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जूस्पोर्स, हाइड्रा, बर्ड्स, स्पंज, गेमिल्स। पैंडमिक कोरोना चला जा, हमको बस सबके घर जाना है। सो पैंडमिक हो जाएगा पेनिसिलियम के लिए, कोरोना हो जाएगा कोनिडिया के लिए। सो पेनिसिलियम का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा कोनिडिया, चला हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास के लिए, जा हो जाएगा जूस्पोर के लिए। सो क्लेमाइडोमोनास का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा जूस्पोर, हमको हो जाएगा हाइड्रा के लिए, बस हो जाएगा बर्ड्स के लिए, सबके हो जाएगा स्पंज के लिए, घर हो जाएगा गेमिल्स के लिए। सो इस ट्रिक से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इजीली याद कर लेंगे। मल्टीपल फ्यूजन अमीबा प्लाज्मोडियम, सो इसकी ट्रिक है मैप। एम हो जाएगा मल्टीपल फ्यूजन के लिए, ए हो जाएगा अमीबा के लिए, पी हो जाएगा प्लाज्मोडियम के लिए। बाइनरी फ्यूजन प्रोटोजोअन्स बैक्टीरिया एंड प्लानेरियंस, सो इसकी ट्रिक है ब्रेक पार्ट बाय पार्ट। ब्रेक हो जाएगा बैक्टीरिया के लिए, पार्ट हो जाएगा प्रोटोजोअन्स के लिए, बाय हो जाएगा बाइनरी फ्यूजन के लिए, पार्ट हो जाएगा प्लानेरिया के लिए। बडिंग में स्काइफा, हाइड्रा, स्पॉन्जिला, सो इसकी ट्रिक है बी हैप्पी सिंपल सॉल्यूशन। बी हो जाएगा बडिंग के लिए, हैप्पी हो जाएगा हाइड्रा के लिए, सिंपल हो जाएगा स्काइफा के लिए, सॉल्यूशन हो जाएगा स्पॉन्जिला के लिए। बैम्बू स्पीशीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, प्रोड्यूस लार्ज नंबर्स ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। अनदर प्लांट स्ट्रोबिलेंथस क्विंथियाना, फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स। सो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं जैसे बैम्बू कम लेटर है, सिर्फ 6 लेटर है, तो ये ज़्यादा ईयर्स रहेगा। एंड स्ट्रोबिलेंथस क्विंथियाना बहुत ही बड़ा है, तो ये कम होगा। सो इस तरीके से आप लोग ये याद कर सकते हैं, जो ज़्यादा होगा वो बैम्बू, एंड जो कम होगा वो स्ट्रोबिलेंथस क्विंथियाना। इसमें ज़्यादा लेटर हैं तो इसमें कम है, एंड इसमें कम है तो ये ज़्यादा रहेगा। टेबल 1.1 क्रोमोसोम नंबर्स इन मियोसाइट दैट इज डिप्लॉइड 2n एंड गैमेट्स दैट इज हैप्लॉइड n ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। इसको याद करने की ट्रिक है, सो पहले फ्रूट फ्लाई, हाउस फ्लाई, अनियन, मेज, राइस। सो इसकी ट्रिक हो जाएगी फ्रूट हैज ओनली मीठा रस। सो इसमें फ्रूट फ्लाई 4 है, इसमें 2 ऐड करेंगे सो 6, फिर प्लस 2 8, फिर प्लस 2 10, फिर प्लस 2 12। सो इस तरीके से आप लोग ये याद कर लेंगे, फ्रूट हैज ओनली मीठा रस। फ्रूट हो जाएगा फ्रूट फ्लाई के लिए जो 4 होगा, उसके बाद हैज हो जाएगा हाउस फ्लाई के लिए, उसमें प्लस 2 6, ओनली हो जाएगा अनियन के लिए, इसमें प्लस 2 8, मीठा हो जाएगा मेज के लिए, इसमें प्लस 2 10, रस हो जाएगा राइस के लिए, इसमें प्लस 2 12। सो सब में 2 ऐड कर देंगे, एंड इसमें एप्पल कट बाई रेट बॉय, सो इसमें प्लस 2 करेंगे, सो एप्पल है, इसमें प्लस 2 करेंगे तो कैट का हो जाएगा 19, रेट का हो जाएगा 21, ह्यूमन का हो जाएगा 23। सो एप्पल कट बाय रेट बॉय, एप्पल कैट रेट ह्यूमन बींग्स, सो 17, 19, 21, 23। इस ट्रिक से आप लोग ये याद कर सकते हैं। एंड इसमें ऑफियोग्लॉसम, बटरफ्लाई एंड डॉग, ये तीनों ऐसे ही याद हो जाएगा। सो इस ट्रिक से आप लोग टेबल 1.1 इजीली याद कर सकते हैं। रनर में ग्रास, ऑफसेट में इकॉर्निया, ट्यूबर में पोटैटो। रनर, रनर में ग्रास रहेगा, रनर रनर मतलब दौड़ना, ग्रास भी दौड़ती है, बहुत तेज़ी से फैलती है, तो ग्रास हो जाएगा रनर में। ऑफसेट में इकॉर्निया EO, ट्यूबर में पोटैटो है तो इसकी ट्रिक हो जाएगी PTP हो जाएगा पोटैटो के लिए, टी हो जाएगा ट्यूबर के लिए। शकर में बनाना है, सो इसकी ट्रिक हो जाएगी सब, एस हो जाएगा शकर के लिए, बी हो जाएगा बनाना के लिए। राइजोम में टर्मेरिक, जिंजर है, सो इसकी ट्रिक हो जाएगी RTG, आर हो जाएगा राइजोम के लिए, टी हो जाएगा टर्मेरिक के लिए, जी हो जाएगा जिंजर के लिए। लीफ वर्ड में ब्रायोफाइलम है, सो इसमें लीफ में एल एंड ब्रायो फाइलम में भी एल, सो बोलने में फा आ रहा है, एंड इसमें भी फा आ रहा है, एंड इसमें भी एल, सो लीफ ब्रायो फाइलम, लीफ बड में ब्रायो फाइलम। स्टोलॉन में मिंट एंड जैस्मिन, सो इसकी ट्रिक हो जाएगी जैस्मिन, जैस हो जाएगा जैस्मिन के लिए, मीन हो जाएगा मिंट के लिए। मोनोशज प्लांट्स में क्यूकम्बर, कोकोनट, कुकरबिट, कारा, सो इसकी ट्रिक है कोकू को कुरकुरे चाहिए, कोकू हो जाएगा क्यूकम्बर के लिए, को हो जाएगा कोकोनट के लिए, कुरकुरे हो जाएगा कुकरबिट के लिए,
चाहिए हो जाएगा कारा के लिए। तो इस ट्रिक से आप लोग मोनोसेज प्लांट्स याद कर सकते हैं। बाइसेक्सुअल एनिमल्स, स्पंजेस, अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच। सो इसको याद करने की ट्रिक है सेटल। एस हो जाएगा स्पंजेस के लिए, ई हो जाएगा अर्थवर्म के लिए, टी हो जाएगा टेपवर्म के लिए, एल हो जाएगा लीच के लिए। सो बाइसेक्सुअल एनिमल्स में स्पंजेस, अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच आ जाएंगे एंड इसकी ट्रिक हो जाएगी सेटल। सो इस ट्रिक से आप लोग ये बहुत ही इजीली याद कर लेंगे। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में कॉकरोच है, सो इसकी ट्रिक है यूसी ब्राउजर। यू हो जाएगा यूनिसेक्सुअल के लिए, सी हो जाएगा कॉकरोच के लिए। ईस्ट्रस साइकिल, नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउज, शीप, रैट्स, डियर्स, डॉग्स, टाइगर एटसेट्रा, सच साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल। सो इसको याद करने की ट्रिक है। ईस्ट्रस साइकिल में रैट, काउ, टाइगर, शीप, डियर, डॉग। सो इसकी ट्रिक हो जाएगी रैट को टाइगर से डरा दोगी। रैट हो जाएगा रैट के लिए, को हो जाएगा काऊ के लिए, टाइगर हो जाएगा टाइगर के लिए, से हो जाएगा शीप के लिए, डरा हो जाएगा डियर के लिए, दोगी हो जाएगा डॉग के लिए। ट्वेल्व साइकिल, प्राइमेट्स में मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। सो इसको याद करने की ट्रिक है हम। एच हो जाएगा ह्यूमन के लिए, ए हो जाएगा एप्स के लिए, एम हो जाएगा मंकी के लिए। ओवीपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। सो इसको याद करने की ट्रिक है रोब। आर हो जाएगा रेप्टाइल्स के लिए, ओ हो जाएगा ओवीपेरस के लिए, बी हो जाएगा बर्ड्स के लिए। वीवीपेरस एनिमल्स दैट इज मेजोरिटी ऑफ मैमल्स। सो जब ओवीपेरस याद हो जाएगा तो वीवीपेरस अपने आप ही याद हो जाएगा। सो इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर की सारी ट्रिक्स कंप्लीट हो गई है। चैप्टर टू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो इसमें फोर वॉल लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड द टेपिटम। सो इसको याद करने की ट्रिक है एपी एंड में टपका। सो एपी हो जाएगा एपिडर्मिस के लिए, एंड हो जाएगा एंडोथीशियम के लिए, में हो जाएगा मिडल लेयर्स के लिए एंड टपका हो जाएगा टेपिटम के लिए। राइस एंड व्हीट पॉलन ग्रेन्स लॉस वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजासी, लिगोमिनोसी एंड सोलानेसी, दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। सो इसको याद करने की ट्रिक है। सो इसकी ट्रिक हो जाएगी सरल। एस हो जाएगा सोलानेसी के लिए, आर हो जाएगा रोजेसी के लिए, एल हो जाएगा लिगोमिनोसी के लिए। सो इस ट्रिक से आप लोग ये बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। नंबर ऑफ ओब्यूल मे बी 1, व्हीट, राइस, मैंगो, मेनी में पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। सो इसको याद करने की ट्रिक है ओ फिजिक्स वल्ला। ओ हो जाएगा ऑर्किड्स के लिए, फिजिक्स हो जाएगा पपाया के लिए, वल्ला हो जाएगा वाटरमेलन के लिए। एंड व्हीट, राइस, मैंगो, इसको याद करने की ट्रिक है वेयर इज मैंगो। वेयर इज मैंगो, सो वेयर में डब्ल्यू एच हो जाएगा व्हीट के लिए एंड आर हो जाएगा राइस के लिए एंड मैंगो हो जाएगा मैंगो के लिए। सो नंबर ऑफ ओब्यूल्स आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। वन जिसमें होगा व्हीट, राइस, मैंगो, मेनी आया वाटरमेलन, ऑर्किड्स एंड इसकी ट्रिक्स हो जाएगी ओ फिजिक्स वल्ला एंड इसकी ट्रिक्स हो जाएगी वेयर इज मैंगो। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिसनेरिया, हाइड्रीला एंड सेवरल मरीन सी ग्रासेज सच एज जोस्टेरा। सो इसको याद करने की ट्रिक है हैदराबाद वाले जू जाएंगे, हैदराबाद वाले जू जाएंगे। सो हैदराबाद हो जाएगा हाइड्रीला के लिए, वाले हो जाएगा वेलिसनेरिया के लिए, जू हो जाएगा जोस्टेरा के लिए। सो इस ट्रिक से आप लोग वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स को इजीली याद कर सकते हैं। फॉल्स फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स में है स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एंड एप्पल्स। सो इसको याद करने की ट्रिक है आस्क। फॉल्स, फॉल्स मतलब झूठा। सो जो झूठ बोलेगा उससे बार बार आप लोग पूछेंगे आस्क। सो इसकी ट्रिक हो जाएगी आस्क। ए हो जाएगा एप्पल के लिए, एस हो जाएगा स्ट्रॉबेरी के लिए, सी हो जाएगा कैश्यू के लिए। सो फॉल्स फ्रूट्स में आ जाएंगे स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एंड एप्पल। सो इसकी ट्रिक हो जाएगी आस्क, ए एस सी। इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट, रेमनेंट्स ऑफ न्यूसलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट, दिस रिजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसलस इज द पेरिस्पर्म। सो इसको याद करने की ट्रिक है पेरी ने ब्लैक को बीट दिया,
पेरी ने ब्लैक को बीट दिया, सो पेरी हो जाएगा पेरी स्पर्म के लिए, ब्लैक हो जाएगा ब्लैक पेपर के लिए, बीट हो जाएगा बीट के लिए। सो इस ट्रिक से आप लोग ये बहुत ही इजीली याद कर लेंगे। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, सो इसका एग्जांपल है बनाना, इसको याद करने की ट्रिक है बीपी, बीपी ब्लड प्रेशर। सो बी हो जाएगा बनाना के लिए, पी हो जाएगा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के लिए। एपोमिक्सिज में है ग्रास एस्टेरेसिया, इसको याद करने की ट्रिक है आग, ए हो जाएगा एस्टेरेसी के लिए, ए हो जाएगा एपोमिक्सिज के लिए, जी हो जाएगा ग्रासेज के लिए। तो इस ट्रिक से आप लोग एपोमिक्सिज के एग्जांपल्स को इजीली याद कर लेंगे। नॉन एल्ब्यूमिनस में है पी ग्राउंड नट्स बीन्स, एल्ब्यूमिनस में है कैस्टर कोकोनट व्हीट मेज बार्ले। नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक है जी बी पी, जी हो जाएगा ग्राउंड नट्स के लिए, बी हो जाएगा बीन्स के लिए, पी हो जाएगा पी के लिए। एंड एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक है मैं वहां कैस्टर को बुलाई, मैं वहां कैस्टर को बुलाई। सो मैं हो जाएगा मेज के लिए, वहां हो जाएगा व्हीट के लिए, कैस्टर हो जाएगा कैस्टर के लिए, को हो जाएगा कोकोनट के लिए, बुलाई हो जाएगा बार्ले के लिए। सो इस ट्रिक से आप लोग ये सारे एग्जांपल्स बहुत ही इजीली याद कर लेंगे। हैप्लॉइड एन, इसकी ट्रिक है पी एम सेब जेम, सो पी हो जाएगा पॉलिन ट्यूब सेल के लिए, एम हो जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड और माइक्रोस्पोर के लिए, एस हो जाएगा सिनर्जिड सेल के लिए, ए हो जाएगा एंटीपोडाल सेल के लिए, वी हो जाएगा वेजिटेटिव सेल के लिए, ई हो जाएगा एक्स सेल और जिम्नोस्पर्म्स, जी हो जाएगा जेनेटिक सेल के लिए, ई हो जाएगा एम्ब्रियो सैक ऑफ जिम्नोस्पर्म्स के लिए, एम हो जाएगा मेगा स्पोर टेट्राड और मेगा स्पोर के लिए। सो पी एम से इस ट्रिक से आप लोग इसे बहुत ही इजीली याद कर लेंगे। सिंक कार्पस में हिबिस्कस पेपेवर मस्टर्ड टोमेटो, सो इसको याद करने की ट्रिक है पहले सिम्टम्स है, पहले हो जाएगा पेपेवर के लिए सिम्टम्स में, एस वाई हो जाएगा सिंक कार्पस के लिए, एंड एम हो जाएगा मस्टर्ड के लिए, टी हो जाएगा टोमेटो के लिए, हाई हो जाएगा हिबिस्कस के लिए। एपोकार्पस में रोज लोटस, सो इसको याद करने की ट्रिक है आप रोज लो, आप हो जाएगा एपोकार्पस के लिए, रोज हो जाएगा रोज के लिए, लो हो जाएगा लोटस के लिए। सेपल कैलिक्स पेटल कोरोला, सो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, सो इसको याद करने की ट्रिक है सकल, सो एस ए मतलब सेपल, सी ए एल मतलब कैलिक्स, सो सेपल कैलिक्स। ड्रिव फ्रूट के एग्जांपल्स हैं मैंगो कोकोनट, इसको याद करने की ट्रिक है मैन ड्रिंक्स कोका कोला, मैन हो जाएगा मैंगो के लिए, ड्रिंक्स हो जाएगा ड्रिव फ्रूट के लिए, कोका कोला हो जाएगा कोकोनट के लिए। सम प्लांट्स सच एज वियोला दैट इज कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमिलिना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, सो इसको याद करने की ट्रिक है कमल आज भी पेन लाया, तो भी को सब लोग शॉर्ट में वी लिख देते हैं, तो कमल आज वी पेन लाया, कमल हो जाएगा कॉमेलिना के लिए, आज हो जाएगा ऑक्सैलिस के लिए, वी हो जाएगा वियोला के लिए, पेन हो जाएगा पैंसी के लिए। इस ट्रिक से आप लोग बहुत ही आसानी से इसे याद कर लेंगे। डायोशियस प्लांट्स में है पपाया डेट पाम मार्केंशिया, सो इसको याद करने की ट्रिक है मैंने डीपी देखी, सो मैंने डीपी देखी, मैंने हो जाएगा मार्केंशिया के लिए, डी हो जाएगा डायोशियस प्लांट्स के लिए, पी हो जाएगा पपाया के लिए, देखी हो जाएगा डेट पाम के लिए। सो इस ट्रिक से आप लोग डायोशियस प्लांट्स बहुत ही इजीली याद कर लेंगे। सो गाइस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की सारी ट्रिक्स कंप्लीट हो गई है। चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स अ प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोरेथरल ग्लैंड्स, सो इसको याद करने की ट्रिक, इसकी ट्रिक हो जाएगी बीएसपी बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी, सो बी हो जाएगा बल्बोरेथरल ग्लैंड के लिए, एस हो जाएगा सेमिनल वेसिकल के लिए, पी हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए। सो इसमें शुरू में दो जो है वो पेयर होगी एंड जो लास्ट में है वो अनपेयर्ड होगी, सो इस ट्रिक से आप लोग ये बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। बी एस पी, इसमें बी एंड एस पेयर हो जाएगा एंड पी हो जाएगा अनपेयर, सो बी हो जाएगा बल्बोरेथरल ग्लैंड के लिए, एस हो जाएगा सेमिनल वेसिकल के लिए, पी हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए। सो बल्बोरेथरल ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल पेयर है, सो बल्बोरेथरल ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स पेयर्ड है एंड प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड है। सो इस ट्रिक से आप लोग मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स को बहुत ही इजीली याद कर लेंगे।
पाथवे ऑफ स्पर्म्स को याद करने की ट्रिक है स्टीव। सो एस हो जाएगा सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के लिए, टी हो जाएगा रेटी टेस्टीज के लिए, टेस्टीज टी, सो टी हो जाएगा रेटी टेस्टीज के लिए, ई हो जाएगा वासा इफ्रेंशिया के लिए, ई हो जाएगा एपिडिडाइमिस के लिए, वी हो जाएगा वास डिफरेंस के लिए, ई हो जाएगा इजेकुलेटरी डक्ट के लिए। सो इस ट्रिक से आप लोग पाथवे ऑफ स्पर्म्स बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। सो ये ट्रिक हो जाएगी स्टीव, एस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, टी रेटी टेस्टीज, ई वासा इफ्रेंशिया, ई एपिडिडाइमिस, वी वास डिफरेंस, ई इजेक्यूलेटरी डक्ट। सो इसमें वासा इफ्रेंशिया एंड एपिडिडाइमिस में दोनों में ई आ रहा है, एपिडिडाइमिस एंड वासा इफ्रेंशिया दोनों में यहाँ पर ई दिया गया है। सो इसको आप लोग ऐसे याद करेंगे, जो बड़ा है, जो बड़ा रहेगा वो पहले रहेगा। सो इसमें ज़्यादा लेटर्स हैं तो ये पहले रहेगा, एंड एपिडिडाइमिस में कम लेटर है तो ये बाद में रहेगा। सो इस तरीके से आप लोग ये बहुत ही ईजिली याद कर लेंगे। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क व्हिच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ल्यूमेन्स ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ओपन्स इनटू द मेमोरी ट्यूबल्स, ट्यूबल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला व्हिच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू व्हिच मिल्क इज सक्ड आउट। सो इसको याद करने की ट्रिक है, मेमोरी ग्लैंड, एल्वियोलाई, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट। सो इसको याद करने की ट्रिक है मैमल। सो इस ट्रिक से मिल्क सिक्रीशन याद हो जाएगा। एम हो जाएगा मेमोरी ग्लैंड के लिए, ए हो जाएगा एल्वियोलाई के लिए, एम हो जाएगा मेमोरी डक्ट के लिए, ए हो जाएगा एम्पुला के लिए, एल हो जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट के लिए। सो इस ट्रिक से आप लोग ये बहुत ही इजीली याद कर लेंगे, मैमल, एम मेमोरी ग्लैंड, ए एल्वियोलाई, एम मेमोरी डक्ट, ए एम्पुला, एल लैक्टिफेरस डक्ट। गैमेटोजेनेसिस, जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोवा। सो इसको याद करने की ट्रिक है, गो गो साइकिल मूव टू जू, गो गो साइकिल मूव टू जू। सो गो का जी जर्म सेल्स, गो का जी स्पर्मेटोगोनिया, इसमें जी आ रहा है तो ये जी हो जाएगा और ये जी, साइकिल सी वाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सी वाई, एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आएगा, ये सबको पता होता है, एंड उसके बाद मूव का एम, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड में एम, मूव का एम। सो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोवा जेड, एंड जू का जेड, सो जेड स्पर्मेटोजोवा जेड। सो स्पर्मेटिड के बाद स्पर्मेटोजोवा। सो गो गो साइकिल मूव टू जू। सो जर्म सेल्स जी जी, स्पर्मेटोगोनिया जी जी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सी वाई सी वाई सी वाई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आता है, ये सबको पता है, स्पर्मेटिड एम, मूव एम, स्पर्मेटोजो जेड टू जू जेड। सो गो गो साइकिल मूव टू जू, इस ट्रिक से आप लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। सो गो गो साइकिल मूव टू जू, जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन। सो इसको याद करने की ट्रिक हो जाएगी होपेप। एच हो जाएगा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन के लिए, ओ हो जाएगा ऑक्सीटोसिन के लिए, पी हो जाएगा प्रोलैक्टिन के लिए, ई हो जाएगा ईस्ट्रोजेन के लिए, पी हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन के लिए। सो इस ट्रिक से आप लोग ये बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फोल्ड मैप्स, एफ हो जाएगा फॉलिक्यूलर फेज के लिए, ओ हो जाएगा ओव्यूलेटरी फेज के लिए, एल हो जाएगा ल्यूटियल फेज के लिए, एम हो जाएगा मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए, पी हो जाएगा प्रोलिफेरेटिव फेज के लिए, एस हो जाएगा सिक्रेटरी फेज के लिए। सो इस ट्रिक से आप लोग ये बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। सो गाइस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सारी ट्रिक्स कंप्लीट हो गई है। इंट्रायूटराइन डिवाइसेज आईयूडीज, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, फॉर एग्जाम्पल लिपिज लूप। सो इसको याद करने की ट्रिक है MLN। तो
एम हो जाएगा मेडिकेटेड के लिए, एल हो जाएगा लिपिज लूप के लिए, एंड एन हो जाएगा नॉन के लिए. सो नॉन मेडिकेटेड आईयूटीज लिपिज लूप आ जाएगा. कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज सी यू टी सी यू सेवन मल्टीलोड 375. इसकी ट्रिक हो जाएगी सी एम. सी हो जाएगा कॉपर रिलीजिंग के लिए, एम हो जाएगा मल्टीलोड 375 के लिए. हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज प्रोजेस्टाजर्स एलएनजी 20. सो इसको याद करने की ट्रिक है हेल्प. एच हो जाएगा हार्मोन रिलीजिंग के लिए, एल हो जाएगा एलएनजी 20 के लिए, पी हो जाएगा प्रोजेस्टाजर्स के लिए. सो इस ट्रिक से आप लोग ये बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं. सी यू आयंस रिलीज सप्रेस स्पर्म मोर्टालिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स. सो इसको याद करने की ट्रिक है. सो कॉपर में डबल पी आ रहा है एंड सप्रेस में डबल पी. सो कॉपर सप्रेस स्पर्म मोर्टालिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स. सो कॉपर सप्रेस. सो इस ट्रिक से आप लोग ये भी याद कर लेंगे. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और विनेरियल डिजीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. इसमें है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी लीडिंग टू एड्स. सो इसको याद करने की ट्रिक है गवर्नमेंट जीएसटी कैन गो हायर. सो गवर्नमेंट हो जाएगा गोनोरिया के लिए, जी हो जाएगा जेनिटल वर्ट्स के लिए, एस हो जाएगा सिफिलिस के लिए, टी हो जाएगा ट्राइकोमोनियासिस के लिए, कैन हो जाएगा क्लेमाइडियासिस के लिए, गो हो जाएगा जेनिटल हर्पीज के लिए, हायर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी के लिए. तो इस ट्रिक से आप लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं. गोनोरिया, जेनिटल वर्ट्स, सिफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी. एंड इसकी ट्रिक हो जाएगी गवर्नमेंट जीएसटी कैन गो हायर. सो इस ट्रिक से ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा. एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड एचआईवी इन्फेक्शंस, अदर डिजीजेस आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली. सो नॉट क्योरेबल डिजीजेस हैं हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड एचआईवी इन्फेक्शंस. सो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इन सब में एच आ रहा है, एच एच एच. सो हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड एचआईवी इन्फेक्शंस. सो एच 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 ट्रिक से आप लोग ये डिजीजेस बहुत ही इजीली याद कर लेंगे जो कि नॉन क्योरेबल हैं. सो गाइस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सारी ट्रिक्स कंप्लीट हो गई हैं. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना.